जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे क्लैम मीटर के बारे में, डिजिटल क्लैम मीटर के बारे में, इसका क्या क्या यूज़ होता है और इसके फंक्शन के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो ये क्लैम मीटर होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें ऊपर की ओर दिया होता है ए, और हल्की टेढ़ी लाइन खींची हुई होती है, जिसका मतलब होता है एम्पेयर। वो जो टेढ़ी लाइन खींची हुई है, इसका मतलब होगा अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट मीन्स एक होता है डीसी करंट, एक होता है अल्टरनेट करंट, एसी करंट। तो ये हमें एसी करंट शो करेगा और इसमें एम्पेयर शो करेगा, एसी करंट के एम्पेयर शो करेगा। तो इसमें 200 एम्पेयर तक ये हमें शो करेगा। अगर यहाँ पे हम करके और किसी भी चीज़ का एम्पेयर जानना चाहेंगे क्लैंप से, ये क्लैंप है, इससे अगर इसको दो तारों के बीच में लेके इसके एम्पेयर चेक करना चाहें किसी भी मशीन के मोटर के, तो ये हमें एम्पेयर बता देगा। सेकंड है दोस्तों, ये हो गया एम्पेयर चेकिंग के लिए। सेकंड है दोस्तों वी, वी वी के आगे भी सेम वैसा लाइन खींचा हुआ है टेढ़ा करके थोड़ा, इसका मतलब ये भी वोल्ट शो करेगा। वोल्ट भी ये मेन लाइट वाले वोल्ट शो करेगा, एसी करंट वाले लाइट शो वोल्ट शो करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 750, 750 पे हम इसको घुमा देंगे, घुमा के, और इस पे जब हम इसको दोनों पिन को किसी भी पॉइंट में, इलेक्ट्रिक पॉइंट में, किसी भी सॉकेट में, या कहीं भी किसी भी मेन तार में अगर चेक करेंगे तो 750 पे करके, तो ये जो वो लाइट के वोल्ट है, एक्चुअल लाइट कितनी आ रही है वो हमें बता देगा। फॉर एसी वोल्ट चेकिंग, इसका मतलब ये एसी वोल्ट के चेक के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला जो पॉइंट है इसका। इसके बाद आता है दोस्तों ये वाला पॉइंट, जहाँ पे वी लिखा हुआ है और वी के आगे जो लाइन खींची हुई है वो सीधी है बिल्कुल, और तीन डॉट दी हुई है। तो सीधी लाइन का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट है। तो इससे हम चेक करेंगे डीसी वोल्ट, जो बैटरी का करंट होता है वो हम इससे चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, वी वी फॉर डीसी वोल्ट चेकिंग। अगर किसी लाइट बैटरी का, किसी और डीसी वोल्ट की जो इलेक्ट्रिकल आइटम होती है उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला सिंबल दिया हुआ है, जिसमें कुछ लाइनें खींची हुई है, वॉल्यूम टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, बजर टाइप का। तो ये दोस्तों काम आएगा हमारे किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, वो चीज़ सही है कि नहीं है, इसके लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन काम में आएगा। उसके बाद है दोस्तों ओम, ओम चेक जो पॉइंट है ये वाला यूज़ किया जाता है रजिस्टर चेक करने के लिए, रजिस्टेंस चेक करने के लिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनमें रजिस्टेंस लगे होते हैं उनको चेक करने के लिए ये यूज़ में होता है। उसके बाद है दोस्तों साइड का जो बटन दिया होता है एक, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ होता है। जिस तरह किसी भी डाटा को चेक करते टाइम हमें किसी भी वजह से अगर हमें रोकना पड़ जाए, तो उसमें हम इस बटन को दबाएंगे और ये डाटा वहीं के में रुक जाएगा। देखिए, अब इसको मैंने स्विच को छोड़ दिया। अब दोबारा से इसको अगर एक बार घुमाते हैं और इसको होल्ड कर देते हैं साइड वाले स्विच को, यहीं पे रुक के हो गया, ये स्टॉप हो गया। अब इसको दोबारा ऑन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ हो गया ये। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे क्लैंप का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम आपको एक प्रेस का लोड चेक करके बताते हैं, प्रेस का एम्पेयर चेक करके बताते हैं।